अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। आवाज क्लियर है मेरी बच्चों? यस मैम। अच्छा, स्टार्ट करें क्लास, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा आ जाएं सब पार्टिसिपेंट, लेकिन अभी तक कम ही आए हैं। थोड़ा तो स्टार्ट करते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा है, इस वजह से फिर वो प्रॉब्लम हो जाती होती है। तो आज का लेक्चर है अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स। ठीक है, हम लोगों ने नी का मैंने जिसना बताया था तीन में डिवाइड किया, एनाटमी, पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड टेक्निक। एनाटमी हमने पढ़ ली है, पे हमने उससे एसोसिएटेड जितनी भी पैथोलॉजीज थी, वो जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उन उनकी पैथोलॉजीज पॉसिबिलिटी क्या थी कि क्या क्या हो सकती है, बोनी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर कोई लिगामेंट या टेंडन है उसकी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ फ्लूइड एक्युमुलेशंस हो सकती हैं, कुछ इन्फ्लेमेशंस हो सकती हैं, वो सारी हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोगों ने नी अल्ट्रासाउंड की टेक्निक पढ़नी है। दैट मीन्स के जब हमारे पास पेशेंट इन कंप्लेन्स के साथ आ रहा है एंड वी नो द एनाटमी ऑफ द नी, तो हम लोग उन कंप्लेन्स को रूल आउट कैसे करेंगे, पेशेंट को किस तरह पोजीशन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये पेन है, ये प्रॉब्लम है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला एरिया जो है वो उसका ये प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, तो हम पेशेंट की उस तरह से उसकी पोजीशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद ट्रांसड्यूसर को जो है वो हम उस तरह ही प्लेस करेंगे जिस जगह पे हम लोगों ने रखना है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की प्लेसमेंट, फिर हम लोग किस एंगल के ऊपर उसको लेंगे या किस व्यू के ऊपर लेंगे, थोड़ा एंगल देंगे या व्यू को हम चेंज करते हैं। एक्सियल व्यू रिक्वायर्ड होता है किसी के अंदर, लॉन्गिट्यूडनल व्यू रिक्वायर्ड होता है, तो वो जो चीजें हैं वो सारी आज हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। नहीं, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर था, जिस तरह उसकी एनाटॉमी और पैथोलॉजीज ने काफी टाइम लिया था, तो इसी तरह उसकी टेक्निक भी है कि हम उन्हीं चीजों को किस किस तरह, बस एक तरह से समझ लो कि रीडिंग वाला है कि हमने प्रोब कैसे रखनी है, हमने उस और उस जगह पे हमें वो चीजें नजर कैसे आएंगी। ठीक है, तो नी अल्ट्रासाउंड टेक्निक, ये चीजें हम लोग सब पढ़ चुके हुए हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड कितना हेल्पफुल है फॉर द मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग, तो वो चीज हम पहले देख चुके हुए हैं। और उसके बाद हमें ये भी पता है कि नी ज्वाइंट इज द मोर लार्जेस्ट ज्वाइंट है इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसकी उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, उतनी ही ज्यादा इसकी एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट थी, और फिर उसके बाद उतनी ज्यादा फिर हम लोग इसकी टेक्निक भी उसी लिहाज से फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर देखा हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब हम यूज करते हैं फॉर द मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, नॉर्मली हम सभी के लिए, लेकिन समटाइम्स हमें कर्वी लीनियर प्रोब भी यूज करनी पड़ती है फॉर द डीपर स्ट्रक्चर्स। बट यहाँ पे अगर हम लोग नी को एंटीरियरली या मीडियली देख रहे हैं, तो वी विल यूज द हाई फ्रीक्वेंसी लीनियर प्रोब फॉर द बेटर रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर हम लोग उसको पोस्टीरियरली एग्जामिन कर रहे हैं, तो देन हम लोग कर्वी लीनियर प्रोब यूज कर सकते हैं, और फॉर द पेनिट्रेशन, तो उसके लिए हम लोग दोनों प्रोब्स नी के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो को मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू इमेजिंग इज आल्सो वेरी यूजफुल। एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू का कौन सा व्यू था? स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। अच्छा, यस मैम। ठीक है, ये हमारी पहली स्लाइड है, मैं इसी पे अभी बात कर रही हूँ कि हमारे पास व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अल्ट्रासाउंड फॉर मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग, हम लोग उसके लिए हेल्पफुल कितना है वो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि मस्कुलोस्केलेटल स्कैनिंग अगर तो हम लोगों को किसी किसी प्रॉब्लम के लिए करनी पड़ती है फॉर द फास्ट स्कैनिंग, तो हम मस्कुलोस्केलेटल रिकमेंड करते हैं, अदरवाइज MRI इज एक्सीलेंट मोडालिटी फॉर द मस्कुलोस्केलेटल। फिर हमने नी ज्वाइंट स्टार्ट किया हुआ, नी ज्वाइंट हमारे पास लार्जेस्ट ज्वाइंट है और उसकी उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, उतनी ही प्रॉब्लम्स हैं, फिर उस लिहाज से फिर हम लोगों ने उसकी स्कैनिंग भी करनी है। ठीक हो गया, फिर हमारे पास प्रोब्स हैं कुछ दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द नी स्कैनिंग। हम लोग वैसे तो पूरे मस्कुलोस्केलेटल के लिए हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज करते हैं बिकॉज सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं सारे एंड वी हैव टू ऑब्टेन हाई फ्रिक्वेंसी सॉरी बेस्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, तो हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब के साथ साथ हम लोग कर्वी लीनियर प्रोब भी नी के लिए यूज करते हैं इफ वी आर स्कैनिंग द पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी। ठीक है, तो नी के लिए हम दोनों प्रोब यूज कर सकते हैं। अगर हम हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब से ही पोस्टीरियर देख लेते हैं और स्ट्रक्चर क्लियर नजर आते हैं, तो हम एक प्रोब से भी काम चला लेते होते हैं, बट समटाइम्स वी नीड पेनिट्रेशन, वी नीड टू सी सम स्ट्रक्चर्स दैट आर पोस्टीरियरली। ठीक है,
तो वो उसके लिए फिर हम लोग दूसरी कर्वी लीनियर प्रोब भी यूज कर सकते हैं. ठीक, फिर उसके बाद एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू इज वेरी यूजफुल फॉर नी अल्ट्रासाउंड. इसमें क्या मैंने आपको बताया था, एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू जो है वो एक पैनोरामिक इमेजिंग है जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा एक ही इमेज जो है, मतलब एक ही फ्रेम के अंदर जो हमें इमेज नजर आ रहा है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मस्कुलोस्केलेटल के लिए, क्योंकि समटाइम्स हम लोगों को पूरा लॉन्गिशनल व्यू देखना होता है, उसकी अटैचमेंट से उसके इंसर्शन तक पूरा उसका जो है ना उसको पूरा विजुअलाइज करना होता है. फॉर डैट हम लोग पैनोरामिक इमेजिंग करते हैं. पैनोरामिक इमेजिंग में जिस तरह हम लोग के फोन के अंदर है, जिस जगह से हम अपना फोन स्टार्ट करते हैं मूव करना और जहां तक लेके जाते हैं फोन, जन देन स्टॉप करते हैं, तो वो पूरा एरिया जो है वो बेशक कितना भी बड़ा एरिया हो तो वो पूरा एक इमेज के अंदर हमें नजर आता है. सेम लाइक दैट हम लोग प्रोब को मूव करेंगे, जिस एरिया तक हमें पूरा व्यू जो है वो एक ही इमेज में चाहिए होता है, वो हम अपनी प्रोब को मूव करते जाएंगे. बस इसमें थोड़ा सा ख्याल रखना होता है कि हमारी प्रोब मूव ना करे. ठीक है, जहां पे हमारी प्रोब थोड़ी सी ऊपर नीचे मूव कर गई तो वो एरिया जो है वहां पे ओवरलैप हो सकता है, वो एरिया वहां से खराब हो सकता है. तो हमने ये चीज का पैनोरामिक इमेजिंग में ध्यान रखना है कि आपकी प्रोब मूव ना करे. ठीक है, फिर उसके बाद हमने नी अल्ट्रासाउंड को स्टार्ट करना है ना, तो नी अल्ट्रासाउंड को एग्जामिन करने के लिए हमने उसको चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया. ठीक है, इंटीरियर अप्रोच है, मीडियल लेटरल और पोस्टीरियर अप्रोच है. ठीक है, अब ये इजी हो जाएगा कि हम पूरे नी को जो है वो किस अप्रोच में अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं और उस अप्रोच में हमने प्रोब कैसे रखनी है. हर अप्रोच में हम लोगों को दो व्यूज तो लाजमी लेने हैं, दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल व्यू. ठीक, पहले तो हमने वो प्रोब किस तरह रखनी है एक्सियल और उसके लिए, मतलब किस जगह पे रखनी है उस अप्रोच में. ठीक, फिर हम लोगों को उस एरिया में उस अप्रोच में कौन से स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं उस जगह पे. हमने एनाटॉमी पढ़ ली है ना, मीडियल साइड पे क्या चीज है, लेटरल साइड पे क्या है, पोस्टीरियर पे क्या है, इंटीरियर पे क्या है. फिर हमने कुछ पैथोलॉजीज भी पढ़ी थी. अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हमने इनको डिवाइड कर लिया फोर अप्रोचेज में. अब हम अपने इंटीरियर साइड पे हमें कंप्लेंट के साथ पेशेंट आ रहा है, हम वहां पे प्रोब रखेंगे, हमें पता है कि इंटीरियर साइड पे ये स्ट्रक्चर्स पड़े हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है. ठीक है, तो चार डिफरेंट अप्रोचेज हैं हमारी नी की. नंबर वन, स्टार्टिंग विद द एंटीरियर अप्रोच. उसके लिए पेशेंट की क्या पोजीशनिंग होगी, द पेशेंट लाइज कंफर्टेबली इन आइदर अ स्पाइन सिटिंग और सेमी रिक्लाइनिंग पोर्शन. ठीक है, इसमें मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ कि इसमें हम लोग पेशेंट को किस तरह बिठाते हैं, या थोड़ा सा हमने एक्चुअली जो है ना नी को एंगल देना होता है. ठीक है, वो मैं पिक्चर में आपको बताती हूँ किस तरह. और ट्रांसड्यूसर हमने कैसे रखना है, द ट्रांसड्यूसर शुड बी पोजिशन इन अ लॉन्गिट्यूडनल ओरिएंटेशन डायरेक्टली ऊपर ओवर द सुप्रा पटेला रीजन. ये एंटीरियर अप्रोच है. ठीक है, उसके लिए हम लोग को पेशेंट को थोड़ा सा या बिठा लो या लिटा लो, क्योंकि नी का अल्ट्रासाउंड है तो उसके लिए. लेकिन आपको नी को थोड़ा सा 20-30 degrees जो है ना वो फ्लेक्स करना पड़ेगा. उसके लिए आप एक स्मॉल पिलो के प्लेसमेंट दे के उसको सपोर्ट दे दो बिहाइंड द नी, लेकिन इतना एंगल होना चाहिए आपके नी के अंदर, जस्ट लाइक दैट. ठीक है, अब इसमें हम लोगों को 20-30 degrees का हम लोगों ने एंगल दे दिया है नी के. ठीक, फिर उसके बाद या पेशेंट बिठा लो, इसमें कोई पेशेंट का वो नहीं है, या लेट के कर लो. ठीक है, डिपेंड्स. लेकिन आपको जो पोजिशनिंग करनी है फॉर द इंटीरियर अप्रोच ये वाली है. ठीक है, ये याद रहनी चाहिए आपको कि आपने पेशेंट को सुपाइन लिटा लिया, फिर उसके बाद आपने उसके फ्लेक्स कर लिया नी को 20-30 degrees का, फिर आपने अपना ट्रांसड्यूसर इंटीरियर ली. ये देख रहे हैं नीचे वाली पिक्चर के अंदर इंटीरियर ली, यहाँ पे सुप्रा पटेला रीजन जो कि ये पटेला बोन आपको नजर आ रही है, पटेलर बोन के ऊपर यहाँ पे आपने प्रोब सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनली रखनी है फॉर ऑब्टेनिंग द इंटीरियर अप्रोच. ठीक है, तो ये तीन चीजें याद रहेंगी एंटीरियर अप्रोच के लिए, पेशेंट पोजीशनिंग, ट्रांसड्यूसर एंड जो है क्या एंगल दिया हमने पेशेंट का, वो सारे. ठीक है, तो सुप्रा पटेलर रीजन के ऊपर आपने प्रोब रख ली. ठीक, ये आपकी पोजीशनिंग है. अच्छा, स्ट्रेचेस द एक्सटेंसर मैकेनिज्म एंड अवॉइड्स पॉसिबल एन आइसोट्रोपी रिलेटेड टू द कॉनकेव प्रोफाइल दैट द क्वाड्रिसेप्स एंड पटेला टेंडन ज़ूम इन फुल एक्सटेंशन. ठीक हो गया, इसमें क्या है कि हमने अपनी प्रोब को बिल्कुल इंटैक्ट रखना है स्किन के साथ, उसमें कोई एयर गैप ना आए. ठीक है, या फिर उसमें कोई एंगल ना आए. ठीक है, जब लॉन्गिट्यूडनल व्यू के अंदर हम रखते हैं उसको तो हमारी प्रोब स्किन के साथ प्रॉपर इंटैक्ट हो, उसमें कोई स्पेस या कोई भी एंगल नहीं होना चाहिए. ठीक है,
फिर क्या है हमारे पास वहां पे, हमें पता है कि इंटीरियर साइड पे जो है हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल जो है एक्सटेंड होके आगे क्या करता है, टेंडन बनाता है और वो पटेला के साथ अटैच होता है. ठीक है, तो क्वाड्रिसेप्स एंड पटेला टेंडन अज्यूम्स इन फुल एक्सटेंशन. ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको अगर फुली आप लोगों ने एक इमेज के लिए देखना है, देन वी विल यूज द एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू दैट वाज द पैनोरामिक इमेज. अब कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने एवेलुएट करने हैं इंटीरियर, ये आपको या ये यूं याद कर लो कि दीज स्ट्रक्चर्स आर सीन इन द इंटीरियर अप्रोच. ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं क्वेश्चन, एक एसईक्यू क्वेश्चन है कि व्हाट स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन द इंटीरियर अप्रोच ऑफ द नी. ठीक है, तो यू शुड नो कि इंटीरियर अप्रोच में हमारे पास पटेला है, क्वाड्रिसेप टेंडन है, सुप्रा पटेला रेसस, बर्सा एंड फैट पैड. ठीक है, इसके अलावा पटेला रेटिनेकुलम, कॉर्टिकल सर्फेस ऑफ द फीमर एंड टिबिया एंड एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट. ये जो चार या पांच जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, दैट कैन बी सीन इन द इंटीरियर अप्रोच. क्लियर हो गया अब तक? ठीक है, हमने इंटीरियर अप्रोच से स्टार्ट किया, हमने पोजिशनिंग कर ली, हमने ट्रांसड्यूसर रख लिया कि इस पोजिशन में हमने ट्रांसड्यूसर रखना. वट स्ट्रक्चर्स कैन बी सीन इन दिस अप्रोच, वो हमने लिस्ट में देख लिया कि ये स्ट्रक्चर हमें नजर आते हैं इस ये वे. अगर पेशेंट इनमें से किसी कंप्लेन या इनमें से किसी पैथोलॉजी के साथ आया है तो आप इसी अप्रोच के अंदर उसको रिपोर्ट कर सकते हैं. सेजिटल अल्ट्रासाउंड इमेजेस ऑब्टेन्ड इन द मिडलाइन व्हाइल कीपिंग द डिस्टल एज ऑफ द प्रोब ओवर द पटेला डिस्प्ले द क्वाड्रिसेप्स टेंडन. ये सिर्फ एक वो है कि आप जब कर रहे होते हो तो सिर्फ आप एक व्यू नहीं लेते, सेजिटल, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सियल. ठीक है, वो आप दो या तीन व्यूज आप लोगों ने लेने लाजमी होते हैं बाय मूविंग द प्रोब. ठीक, ठीक है, लॉन्ग एक्सिस एंड शॉर्ट एक्सिस प्लेन ऑब्जर्व द मल्टी लेयर्ड अपीयरेंस ऑफ द क्वाड्रिसेप्स टेंडन. ठीक है, अब क्या है, हमें वहां पे टेंडन नजर आता है इंटीरियर अप्रोच में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंटीरियर अप्रोच की. ठीक है, तो उस टेंडन को हम लोगों ने दो उसमें व्यू में देखना है. एक इसका लॉन्गिट्यूडनल, जिसके अंदर हमें प्रॉपर एक वाइट लाइन टेंडन के अंदर, एक इसका शॉर्ट एक्सिस व्यू, जिसके अंदर हमें छोटे छोटे से शॉर्ट एक्सिस में, जिस तरह मैंने आपको बताया था कट सेक्शन में, जिस तरह उसके अंदर फेसिकल्स नजर आए थे वो नजर आएंगे. ड्यू टू द क्लोज अपोजिशन इन द डिस्टल यूनियन ऑफ द थ्री टेंडन लेयर अराइजिंग फ्रॉम द बेलीज ऑफ द क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल. ये उसकी एक्सटेंशन बताई हुई है कि इस मसल से एक्सटेंड कर रहा है आगे टेंडन, और उसको हमने दो व्यूज के अंदर डिवाइड कर लिया. अब उस टेंडन के अंदर हमें समटाइम्स फुल थिकनेस नजर आती है, थ्री लेयर्स इन्वॉल्व, एंड समटाइम्स पार्शियल थिकनेस, वन और टू लेयर्स इन्वॉल्व. ठीक है, वो मे बी पार्शियल थिकनेस ड्यू टू एनी टीयर नजर आ सकती है. अगर कोई टीयर हुआ हुआ है तो हमें पूरा का पूरा उसकी जो थिकनेस है वो प्रॉपर नजर नहीं आती. अगर हमें नॉर्मल नजर आ रहा है उसका टेंडन, तो दैट शुड बी ऑफ फुल थिकनेस, उसकी तीनों लेयर्स हमें नजर आनी चाहिए. ठीक है, अगर एक या दो लेयर्स नजर आ रही हैं तो वो उसको हम पार्शियल थिकनेस कहते हैं. तो वो पॉसिबिलिटी है कि कोई टीयर की वजह से कि एक लेयर मिस हुई है. समझ आ गई? ठीक है, ये दोनों अप्रोच होगी इंटीरियर की. हमने प्रोब रखनी है ए एंड बी. ठीक है, ये ए कौन सी है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल सेजिटल व्यू. बी कौन सी है, एक्सियल. ठीक है, तो हमने इस तरह उसको प्रोब को प्लेस करते हुए अपनी इंटीरियर अप्रोच की जो चीजें हमें पांच नजर आती हैं देख ली. क्वाड्रिसेप्स फेमोरस ऊपर से एक्सटेंड होकर टेंडन बनाता है, टेंडन की थिकनेस देख ली, टेंडन की थिकनेस जो है वो वेरी कर सकती है. फुल थिकनेस होगी तो दैट इज नॉर्मल, और फुल थिकनेस में तीन लेयर्स नजर आएंगे. इफ इट इज पार्शियल थिकनेस, उसमें थिकनेस रिड्यूस है, एक या दो लेयर्स नजर आ रही हैं, दैट मींस उसके अंदर कोई टीयर है. क्लियर? अच्छा, ये उसका, ये जो तीन लेयर्स आपको नजर आ रही है ना, वन टू एंड थ्री, ये एक लेयर जा रही है दरमियान वाली, ये लेयर एंड दिस इज द लेयर. ठीक है, ये तीन लेयर क्या है नजर आगे, दिस इज द टेंडन लेयर, आगे जाके पटेला बोन, ये पी है पटेला बोन के साथ अटैच हो जाए टेंडन. ठीक है, इसको छोड़ दो. अच्छा, शिफ्टिंग द ट्रांसड्यूसर क्रेनली, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ को हम एक्सियल व्यू के अंदर ही प्रोब जिस तरह रखते हैं ट्रांसवर्सली, ठीक है, उसी तरह हम थोड़े सी प्रोब को ऊपर की तरफ को लेकर जाएं, क्योंकि टेंडन है ना, टेंडन के पीछे क्या था, मसल था. तो मसल और टेंडन के दरमियान में हमारे पास एक जंक्शन था जिसको हमने कहते थे मायोटेंडिनस जंक्शन. क्वाड्रिसेप्स फेमोरस मसल और आगे जो टेंडन बन रहा है उसके दरमियान एक जंक्शन था, दैट वाज नोन एज मायोटेंडिनस जंक्शन. और उसको विजुअलाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसवर्स व्यू के अंदर ही अपना ट्रांसड्यूसर क्रेनियली थोड़ा सा ऊपर की तरफ को करेंगे, तो हम उस जंक्शन तक पहुंच जाएंगे एंड दैट कैन बी अप्रिशिएटेड. ठीक है,
Then the rectus femoris is located at the more proximal level compared with those of the vastus muscle. जरूरी नहीं है, यह हमें सिर्फ लोकेशन बताई है मसल की, जो इम्पोर्टेंट है वो हमने पढ़ लिया कि इंटीरियर व्यू में क्या चीज देखनी है। अच्छा, फिर देन आ गए हमारे पास वीसेसेस। वीसेसेस हमारे पास कुछ हैं इंटीरियर अप्रोच में, वो हम लोगों ने किस तरह देखनी है। डीप टू द डिस्टल थर्ड ऑफ द कॉर्डिसेप्स टेंडन, डीप टू द डिस्टल थर्ड ऑफ द कॉर्डिसेप्स टेंडन द सुप्रा पटेलर फैट पैड इज फाउंड जस्ट क्रैनियली टू द पटेला। अब पटेलर जहां पे है उसको उससे थोड़ा सा ऊपर और कॉर्डिसेप्स फेमोरिस के डिस्टली थर्ड जो पार्ट बिल्कुल उसके दरमियान वहां पे हमें एक फैट पैड नजर आएगा। उस स्पेस के अंदर रीसेस इज अ स्पेस, ठीक है, तो इस स्पेस के अंदर हमें एक फैट पटेलर फैट पैड नजर आएगा अगर हम लोग थोड़ा सा प्रोब को पटेला से ऊपर की तरफ रखेंगे। क्लियर हो गया? अब ये साथ साथ ना आप एक टेबल बना लो, ठीक है, आपको इजी हो जाएगा याद करना कि आपने टेबल बनाया, आपने रखा इंटीरियर अप्रोच, इंटीरियर अप्रोच के बाद आपने आगे उसका कॉलम बनाया, उसने लिखा कि आपने प्रोब कैसे रखनी है, इंटीरियर अप्रोच की चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है, ऊपर सबसे पहले लिख लिया कॉर्डिसेप्स टेंडन, रीसेसेस, फिर उसके बाद इस तरह ये चारों पांचों चीजें लिख ली, फिर आगे उनके आगे एक और जहाँ पे रीसेस है तो वो रीसेस जो है इंटीरियर अप्रोच का रीसेस, उसके अंदर हमें क्या नजर आया, पटेलर फैट पैड। इस तरह इजी टेबल बना होगा ना तो पूरा आपको ये टेक्निक जो है ना वो इजी हो जाएगी, पूरी एक टेबल एक पेज को याद करोगे पूरा का पूरा ये लेक्चर जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना, दैट विल बी इजी फॉर यू। इमीडिएटली सुपरफिशियल, अब ये इस तरह स्लाइड्स में पढ़ते रहोगे ना तो सारा मिक्सअप होता जाएगा कि अब क्या नजर आ रहा है, अब क्या नजर आ रहा है, तो टेबल बना लो, ठीक है, जिस तरह मैंने बताया इसी तरह चार पहले अप्रोचेस लिखो, उन चार की आगे लिखो कि उन चारों में नजर क्या क्या आ रहा है, उन चारों के अंदर जो पांच चीजें हैं फर्दर उनके अंदर कैसे कैसे और कैसे कैसे क्या चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, और प्रोब किस तरह हमने रखनी है, पेशेंट की पोजीशनिंग कैसे कर लो, ये आपका मैं असाइनमेंट भी देना है, ठीक है, ताकि यही असाइनमेंट होगा आपका, लेकिन मैं आपको एक नहीं आपको तीन स्ट्रक्चर्स का दूंगी, एक ये नी का, तो साथ के साथ बना लोगे ईजी हो जाएगा आज का लेक्चर का, आज ही बना लेना, नी का, रिस्ट का और शोल्डर का, ये तीन बड़े हैं तो वो तीन टेबल बनेंगे आपके पास, तीन टेबल आपने सिर्फ और एग्जाम में भी याद करना इजी हो जाएगा, उस टेबल को सिर्फ देखा और आपको पूरा टेक्निक याद हो गई कि प्रोब कैसे रखनी है और उसमें स्ट्रक्चर्स कौन से नजर आते हैं, इस तरह स्लाइड लेके करके पढ़ोगे तो मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? तो आज का जो है ना नी का साथ ही आज जाके आज या कल जैसे आपको टाइम मिलता है तो टेबल बना लेना, ठीक है, आज वाले लेक्चर का, फिर हम जब रिस्ट का और शोल्डर का करेंगे तब साथ बना के, और तीनों की जब आपके तीन टेबल आपने बस बनानी है, जब तीन टेबल बन जाएंगे तो आप मुझे सबमिट करवा देंगे। क्लियर है? ये आपका एक असाइनमेंट है। इमीडिएटली सुपरफिशियल टू द फीमर द प्री फेमोरल फैट पैड अपीयर एज अ लार्ज हाइपर एक्विक स्पेक्स, जो कि हमें फैट पैड नजर आ रहा है, पैट है, पैट हमारे पास एक्वोजेनिक नजर आती है, हाइपर एक्विक नजर आती है, व्हाइट कलर की नजर आती है, तो वो इमीडिएटली सुपरफिशियल टू द फीमर हमारे पास प्री फेमोरल फैट पैड अपीयर एज अ लार्ज हाइपर एक्विक स्पेक्स। फिर आ गया हमारे पास सुप्रा पटेलर जो रेसिस है जिसके अंदर हमें एक फैट पैड नजर आ रहा है, ठीक है, लाइज डीप टू दिस रेसिस लाइज डीप टू द क्वाड्रिसेप्स टेंडन एंड द सुप्रा पटेलर फैट पैड एंड सुपरफिशियल टू द प्री फेमोरल फैट। ये तो उन्होंने उसकी लोकेशन बता दी कि वो रेसिस कहाँ पे है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरस के डिस्टल पार्ट पे और पटेला के ऊपर सुप्रा पटेलर, और हमारे पास जो फेमोरल फैट है उसके जो है ना उसके भी सुपरफिशियल, ठीक है, इस जगह पे एक रेसेस है और वहां पे हमें क्या मिलेगा, फैट पैड दैट विल अपीयर्स हाइपर एक्विक इन नॉर्मल स्टेट, इट अपीयर्स एज अ थिन हाइपो एक्विक एस शेप स्पेस, ठीक है, ये रेसेस जो नॉर्मली अगर वहां पे फैट पैड अगर नहीं नजर आ रहा, फैट होगी तो हमें हाइपर एक्विक नजर आएगी, बट वहां पे फैट पैड नजर नहीं आ रहा दैट मीन्स वहां पे एस शेप हमें स्पेस नजर आएगी, वो हाइपोइक्विक होगी, वहां पे फैट नजर नहीं आएगा, वो हाइपर होगा, अगर वहां पे हाइपर स्पेस नजर आ रही है दैट मींस वहां पे फैट पैड है, ड्यू टू इट्स एक्वोजेनिसिटी हमें वो नजर आएगा। डायनामिक स्कैनिंग ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स और स्क्वीजिंग द पैरापटेलर रीसेस विद नॉन एग्जामिंग हैंड में बी हेल्पफुल टू डिटेक्ट स्मॉल इफ्यूजन। अब वहां पे अगर उन रीसेस में फैट की जगह इफ्यूजन, हमने पढ़ा था ना इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, अगर हमें कोई फ्लूइड नजर आ रहा है एंड इट इज मोर देन 3 ml, ठीक है, तो दैट इंडिकेट्स इफ्यूजन,
ठीक है, अगर तो वो नॉर्मल है 3 mm का, मैं तो फ्लूड थोड़ा सा तो है, इट्स ओके नॉर्मल है। हमने डायनेमिक इमेजिंग करनी है, प्रोब को मूव करते हुए, लाइव स्कैनिंग करते हुए, थोड़ा एरिया को पूरा को पूरे को देखना है, और उसके अंदर अगर हमें इतने ml का 3 ml से ज्यादा फ्लूड नजर आ रहा है, दैट इज द फ्यूजन। ठीक है, और उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, बाय अप्लाइंग सम कंप्रेशन, और वो जो 3 पॉइंट हमने पढ़े थे कि साइनोवियल हाइपरट्रॉफी और नी इफ्यूजन का डिफ्रेंशिएशन में, वन इज कंप्रेसिबल, डिस्प्लेसिबल एंड डॉपलर, जो अगर हम करें तो एक के अंदर हमें जो है वो सिग्नल्स मिल रहे थे और एक में नहीं मिल रहे थे। इसी तरह हम इन रिसेसेस के अंदर अगर हम लोगों को फ्लूइड मिल रहा है, हम कंप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, और हमें 3 ml से ज्यादा मिल रहा है, तो वो हम लोग उसको रिपोर्ट उसी तरह करेंगे। इफ नीडेड कंप्रेशन विद द प्रोब में हेल्प टू डिफरेंशिएट इफ्यूजन एंड साइनोवियल थिकनिंग। ठीक है, ये आपको जहाँ पे स्टार्स नजर आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे फ्लूइड है। ठीक है, अच्छा, इमेजिंग शुड बी एक्सटेंडेड ओवर द लेटर एंड मीडियल साइड्स ऑफ द कॉर्डिसेप्स टेंडन बिकॉज स्मॉल साइनोवियल फ्लूइड टेंड टू एक्युमुलेट इन द लेटर मीडियल। दैट मींस ये जो प्रोब हमने यहाँ पे रखी हुई है सेंटर में, ठीक है, पिक्रा पटेलर, किसका माइक ऑन, बंद कर दो, ठीक है, दैट मींस कि ये जो सुप्रा पटेलर रीजन, यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडिनली अपनी प्रोब रखी थी, अब यहाँ पर अगर हमें फ्लूइड मिला है यहाँ पे, ओके, लेकिन इस प्रोब को हम थोड़ा सा लेटरल या मीडियल साइड पे लेकर जाके इस तरफ को ले जाओ, और इसी तरह प्रोब को लॉन्गिट्यूडिनल रखते हुए इस तरफ को ले जाओ, तो हम लोगों ने पूरा मीडियल और लेटरल को भी विजुअलाइज कर लेना है सिर्फ इस इंटीरियर अप्रोच के अंदर। ठीक है, बाकी जो हमने प्रॉपर अप्रोचेस दी हुई हैं वो तो नी की ओवरऑल है ना, मीडियल अप्रोच और लेटरल अप्रोच भी, अभी तो हम इंटीरियर सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो इंटीरियर के अंदर ही लेटरल और मीडियल अप्रोच यहाँ पे प्रोब रखी है, तो इधर और इधर थोड़ा सा हम लोग इन एरिया को भी विजुअलाइज करेंगे टू असेस अगर वहां पे कोई फ्लूइड है तो। ठीक है, फेमोरल ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया मतलब इसके अंदर क्या होता है कि हम पेशेंट को थोड़ा सा हाइपर एक्सटेंड करवा लेते हैं, उसका जो सॉरी फ्लेक्शन करवाते हैं, फुल फ्लेक्शन करवा ली, और फुल फ्लेक्शन के बाद हम लोगों ने उसका जब स्कैन किया तो वी शेप ट्रॉक्लिया मतलब उसका जो जब फ्लेक्शन होती है ना, फ्लेक्शन की वजह से उसका पीछे की तरफ को गया, ठीक है, उसमें स्पेस जो आती है, जो ट्रॉक्लिया है फीमर बोन, ठीक है, उसमें ट्रॉक्लिया को हमें एक प्रॉपर वी शेप्ड स्पेस नजर आती है, ये, ठीक है, ये फ्लेक्स हो गया प्रॉपर, यहाँ पे हमने प्रोब रखी, ये वी शेप देख रहे हो, ये ट्रॉक्लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ठीक है, विद फुल नी फ्लेक्शन द फेमोरल वी शेप ट्रॉक्लिया एंड द overlying articular cartilage are examined on the axial plane. इस प्लेन के अंदर हम लोग तो एक तो ट्रॉक्लिया को देख रहे हैं, ठीक है, वी शेप स्पेस वहां पे हमें नजर आ रही है, दूसरा हम लोग आर्टिकुलर कार्टिलेज को यहाँ पे देख सकते हैं। इन दिस पोजिशन द cordyceps tendon is pushed anteriorly by the femoral trochlea and assumes a curved course over it. जो हमारे पास ऊपर टेंडन था cordyceps का, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और हम लोग इस स्पेस को बड़ा क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ये cordyceps tendon ऊपर ही रह गया, और इस स्पेस को देखने के लिए हमने पेशेंट के नी को हाइपर फ्लेक्स करवाना है और प्रोब को यहाँ रखना है, देन हम इस स्पेस को ये जो ट्रॉक्लिया है वी शेप इसको देख सकते हैं। ठीक है, देन अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, टू विजुलाइज फेमोरल ट्रॉक्लिया व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पेशेंट, हाइपर एक्सटेंड, हाइपर फ्लेक्स, सेमी एंगल कोई दे दिया, ठीक है, तो ट्रॉक्लिया या वी शेप को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को फुली हाइपर फ्लेक्स कर देते हैं, और यहाँ पे प्रोब रखते हुए हमें ये ब्लैक कलर का वी शेप नजर आएगा। अच्छा, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, टेंडन पढ़ लिया, रिसेसेस पढ़ ली, रिसेस के अंदर हम लोगों ने उसके फ्लूइड है वो पढ़ लिया, अगर नॉर्मल है तो फ्लूइड कितना होता है, अगर एब नॉर्मल है तो उसको मेजर करके उसका देख लिया, और अगर वो कंप्रेसिबल है, डिस्प्लेसिबल है, तो वो हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया विद द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। अब आ गया हमारे पास पटेलर रेटिनाकुला एंड पटेलर मीडियल आर्टिकुलर फेसेट, ये थर्ड चीज जो हमें एंटीरियर अप्रोच पे नजर आती है रेटिनाकुलम, ये क्या है, ये मीडियल और लेटरल रेटिनाकुला आर इमेज्ड ऑन ईच साइड ऑफ द पटेला बाय मींस ऑफ एक्सियल प्लेन। अब हम लोगों ने उसी तरह जिस तरह लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच के अंदर प्रोब को लेटरल और मीडियल साइड पर मूव किया था,
अब रेटिनेकुलम के लिए हम एक्सियल रखेंगे प्रूफ को और उसको मीडियल और लेटरल साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, और रेटिनेकुलम या आर्टिकुलर फेसेट जो है वो देखने के लिए. और ये अपीयर्स एज अ बायलेटरल स्ट्रक्चर्स, दे कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग जॉइंट कैप्सूल. अच्छा, एन अटेम्प्ट टू इवैल्यूएट द मीडियल आर्टिकुलर फेसेट facet of the patella with ultrasound can be made by tilting and pushing the transducer internally while keeping the knee extended. Lateral facet is not visible with the ultrasound. इतना important नहीं है, इसको छोड़ दो. बस ये कि facet को देखना है. Medial तो नजर आ सकता है और लेकिन जो lateral है वो इस axial view के अंदर हम लोगों को नहीं इतना clearly नजर आता facet. ठीक है, वो facet देखने के लिए. अच्छा, देन आगे हमारे पास बरसास. हमने बरसास पढ़े थे, ठीक है, चार जो पांचों चीजें उनमें से चौथे पे हम आ गए. बरसास क्या थे? दे आर द कुशनिंग कुशंस दैट आर प्रेजेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. वो हम लोगों के पास एक एनिक्विक फ्लूइड पड़ा होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के नीचे, ठीक है. तो वो हम लोगों ने इंटीरियर अप्रोच पे हमारे पास कौन कौन से बरसा है. एक हमारे पास प्री पटेलर बरसा विच इज लोकेटेड ओवर द लोअर पोल ऑफ द पटेला एंड द प्रॉक्सिमल पटेलर टेंडन. इन नॉर्मल कंडीशन द बर्सा इज नॉट विजिबल विद द अल्ट्रासाउंड, ठीक है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर इतना ज्यादा फ्लूइड नहीं होता कि हम लोग को उसको एज अ पैथोलॉजी या उसको रूल आउट कर सके, ठीक है. अगर उसके अंदर हमें ज्यादा फ्लूइड नजर आ रहा है, दैट माइट बी अ फ्लूइड एफ्यूजन, ठीक है, वो हम लोग मेजर करने पर नजर आते हैं. बट नॉर्मली जो है वो बिल्कुल थोड़ी सी थिन सी लेयर सी एक नजर आती है थोड़ी सी फ्लूइड की, और अच्छी रेजोल्यूशन वाली प्रोब्स हो तो बड़ा क्लियर नजर आता है. Avoid excessive pressure with the probe over the bursa, क्योंकि जो fluid है वो squeeze कर सकता है इधर उधर, हमारी field of view से वो निकल सकता है. और हमने अगर bursa को ही visualize करना है क्योंकि वो fluid filled structure है तो हमने pressure इतना ज्यादा नहीं देना. Much gel may help to avoid excessive pressure on the bursa with the probe, ठीक है. तो हम लोग ज्यादा उसके ऊपर जेल लगा लेंगे ताकि हमें एक तो compression ना ज्यादा देना पड़े और दूसरा हमें resolution में बेहतर हो जाएगी ज्यादा जेल लगाने की वजह से, एयर गैप कम हो जाएगा, ठीक है. और उसकी वजह से फिर हम लोग जो है बरसा को देखना है, फ्लूइड फिल स्ट्रक्चर है तो हमने प्रेशर को अवॉइड करना है. अच्छा, पटेला टेंडन को एग्जामिन करने के लिए फ्रॉम इट्स क्रैनियल ओरिजिन टू इट्स डिस्टल इंसर्शन यूजिंग लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस व्यू. वही दोबारा बात आ गई कि पटेलर टेंडन जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस की कॉन्टिन्यूशन है उसको हम लोगों ने फ्रॉम अप टू डाउन, मतलब पूरे को हम लोगों ने विजुअलाइज करना है दोनों व्यूज के अंदर, लॉन्गिशनल भी और शॉर्ट एक्सिस में भी पूरे को, ठीक है. आपने मूव करते हुए उसको बेशक एक्सटेंडेड फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ले लो पैनोरामिक इमेजिंग के अंदर, सिर्फ उसका एक स्लाइस नहीं लेना, उसको सारे को एग्जामिन करना. बिकॉज द लोअर पोल ऑफ द पटेला हैज अ वी शेप्ड अपीयरेंस, वन शुड बी अवेयर दैट द टेंडन इंसर्ट नॉट ओनली ऑन द एपेक्स बट ऑल्सो अलोंग द इंफ्रोलेटरल एंड इंफ्रोमीडियल एजेस ऑफ द बोन. समझ आई इस बात की कि टेंडन जो है वो हमारा जो पटेला नीचे से होता है ना, थोड़ा सा यूं कर्व सा होता है, वी शेप बनाता है, ठीक है. पिक्चर होती है तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको. वी शेप होता है मतलब थोड़ा सा उसको समझ लो कि ग्रूव सा बना होता है सेंटर में पटेला के लोअर एज के ऊपर, ठीक. तो वो जो इंसर्शन है टेंडन की वो दोनों साइड पे मीडियल और लेटरल पटेला की साइड पे आके अटैच करेगा, ठीक है. तो इसलिए हम लोगों ने पूरे एक तो एक्सिलरी, जब हम लोग एक्सियल प्रोब रखेंगे तो एक्सियल प्रोब के अंदर जो है एक्सियल व्यू के अंदर हम लोग उसको मूव करेंगे फ्रॉम मीडियल टू लेटरल. इसी तरह लॉन्गिशनल में भी हम ऊपर से लेके नीचे तक पूरी उसकी लेंथ ले लेंगे बिकॉज वी शेप्ड है. अगर हम लोग इसका फिर एक अगेन क्वेश्चन है कि वी शेप्ड है पटेला, ठीक है, तो व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू मूव ट्रांसड्यूसर मीडियली एंड लेटरली टू विजुअलाइज द टेंडन, क्या जरूरत पड़ी है? तो आप इसका आंसर दोगे बिकॉज द पटेला इज अ वी शेप और उसकी इंसर्शन जो है वो दोनों मीडियल और लेटरल साइड पे आके बोन टेंडन की लगती है, इस वजह से हमने दोनों साइड्स को मीडियल और लेटरल साइड को देखना है. तो हम प्रोब को एक्सिलरी मूव करेंगे फ्रॉम मीडियल टू द लेटरल साइड. क्लियर हो गए मैम? हाँ जी, सारी पोजीशनिंग मिक्स हो रही है, मुश्किल लग रहा है. यही तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपने आज ही करना है, आपने टेबल बनाना है, ठीक है. एक एक स्लाइड आप करती जाओ और उस टेबल पे लिखती जाओ, आपने कुछ नहीं करना, आपने पहला टेबल बनाना बूझ का. मैं आपको ना दिखाऊंगी, मेरे पास अभी है नहीं टेबल बना हुआ, ठीक है. वो एक
ठीक है, वो मैं देखती हूँ अगर मुझे कहीं से मिलता है, अदरवाइज आपने टेबल बनाना है, बड़ा इजी हो जाएगा, पूरा का पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। आज ही टेबल बनाओ, पहले वाले कॉलम में चारों अप्रोचेस लिखो, ये इंटीरियर अप्रोच थोड़ी सी लंबी है, उसमें तीन चार चीजें ज्यादा है, ठीक है, फिर उसके बाद मीडियल और लेटरल, और फिर उसके बाद जो है पोस्टीरियर अप्रोच, फिर सेकेंड पे हमने टेबल के अंदर लिख दिया कि इंटीरियर अप्रोच के लिए पोजीशनिंग क्या है पेशेंट की और ट्रांसड्यूसर कैसा रखा, तीसरा टेबल बना लिया कि उसके अंदर चीजें क्या नजर आ रही है, पांचों चीजें लिख ली, बर्सा, टेंडन, रिसस, ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़े हैं। उनके बाद आगे देख लिया कि वो उनको व्यू कैसे कर रहे हैं, ठीक है, टेंडन के लिए हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल, ये नोट कर लो जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, टेंडन लिखा है तो टेंडन के आगे दोनों एक्सिलियर एक्सियल व्यू और लॉन्गिट्यूडिनल व्यू, ठीक है, मीडियल और लेटरल के लिए एक्सियल, एक एक आगे 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 इस तरह लिखते जाओगे ना, आपको एक ही उस टेबल के अंदर सब कुछ क्लियर पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। आज जाके बनाओगे आपको टेबल इजी हो जाएगा ये, ठीक है। हर स्ट्रक्चर के लिए पोजीशनिंग डिफरेंट होगी ना पेशेंट की, अप्रोचेस के लिए, ठीक है, ठीक है मैम, चीज है जिस तरह अब इंटीरियर अप्रोच के लिए एक ही पोजीशन रखी रखी है उन्होंने, 30 से 20 डिग्री का एंगल दिया हुआ, फ्लेक्स सिर्फ ट्रोकलिया, सिर्फ एक ट्रोकलिया को देखने के लिए हाइपर फ्लेक्स कर रहे हैं बस, अदरवाइज पूरी अप्रोच के लिए एक ही पोजीशन है, और ट्रांसड्यूसर लॉन्गिट्यूडिनली और एक्सिलरी रखना है बस, वो तो इधर या उधर मूव करना है, थोड़ा सा इधर उधर मूव करके पूरे एरिया को कवर करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट एक्सेस व्यू के अंदर जो है वो पटेलर टेंडन को व्यू कर लिया, ठीक है, अच्छा इसको भी, बरसात हो गए हैं नॉर्मली हाइपोपिक, अच्छा ठीक है, वो अभी हमने तीन चार देखो आप समझ आइए इंटीरियर चीज की, आप एक ही के ऊपर आ रहा था सारा लंबा सा तो आपको समझ से बाहर था, आप समझ आइए इंटीरियर अप्रोच, इंटीरियर अप्रोच के बाद अभी मैं कहती हूँ लेक्चर खत्म होगा तो टेबल बनाओ आज के आज रात तक, मुझे जो है ना तुम लोगों ने टेबल बना के बता देना है कि हमने टेबल बना लिया है, ठीक है, आज ही बना लोगे क्लियर हो जाएगा, आज बना लो कल छुट्टी है कल बना लो, ठीक है, लेकिन नी का साथ ही बना लो, फिर इसी तरह शोल्डर और रिस्ट का बनवाना है मैंने, एक एक टेबल बनेगा एक एक पेज का बस, ठीक है, डेढ़ पेज हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, तो ये इससे ज्यादा नहीं होगा, पूरी टेक्निक हम लोगों को एक पेज के ऊपर समझ आ जाएगी, वो पेज आपने इतना अच्छा सा असाइनमेंट बनाना है कि अगर कहीं अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको आगे मैं करवाऊं, ठीक है, प्रैक्टिकल, तो सिर्फ एक पेज आपके हाथ होगा, मैं आपको कहूंगी कि अगर प्रैक्टिकल करवा रही हूँ तो नी का अल्ट्रासाउंड करना है, किसी लड़के को लिटाएंगे वहां पे, ठीक है, और उसको कहेंगे चलो जी अपना नी अल्ट्रासाउंड करवाओ, और मैंने किसी को भी कहूंगी इसकी इंटीरियर अप्रोच मुझे दिखाओ एक्सिलरी व्यू में, ठीक है, तो आपको पता है आपने पोजीशन कैसे करनी है पेशेंट की, आपने प्रोब किस जगह एक्सियल में रखना है, और आपको ये भी फिर मैं पूछ लूंगी आपको क्या चीजें इसमें नजर आ सकती हैं, ठीक है, वो आपने टेबल के अंदर फौरन एक जो आपके हाथ में होगा तीन चार चीजें फटाफट से वो याद इस तरह देंगे, ओके, अब नी की मीडियल अप्रोच, मीडियल साइड पे क्या क्या है नी के, ठीक है, हमें पता था कि पेस एंड सिरेनस एक टेंडन जो कि हमने पढ़ा था, वेब शेप, तीन टेंडन मिलके मीडियल साइड पर अटैच होते थे जिनको हम पेस एंड सिरेनस कहते थे, मीडियल साइड पर था ना, तो मीडियल अप्रोच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ही ये, फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द मीडियल नी द पेशेंट इज आस्क टू रोटेट द लेग एक्सटर्नली वाइल मेंटेनिंग 20 टू 30 ऑफ द नी फ्लेक्शन, पिक्चर दिखाती हूँ इसकी पोजिशनिंग क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इसमें आपने मीडियल साइड को देखना है, अंदर वाली साइड को देखना है नी की, तो आपने पेशेंट का जो जो है ना लेग जो है मतलब प्रॉपर पूरी उसको 20 से 30 डिग्री ट्रांसड्यूसर ऑब्लीगली ओरिएंटेड ओवर द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, अब मीडियल साइड पे हमारे पास क्या है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, उसके ऊपर पूरा कोल विजुअलाइज करने के लिए हमें लॉन्ग एक्सिस व्यू रिक्वायर्ड है, लॉन्ग एक्सिस व्यू के लिए हम पूरी प्रोब को बिल्कुल सीधा ऐसे रखेंगे मीडियल साइड पे थोड़ा सा ऑब्लीगली, केयर शुड बी टेकन टू एग्जामिन द एंटायर लेंथ ऑफ द लिगामेंट, हमने उसको एक्सियल व्यू में नहीं देखना, हमने उसको लॉन्गिट्यूडिनल व्यू पे पूरा का पूरा क्योंकि हमने लिगामेंट को विजुलाइज करना है, डायनामिक इमेजिंग अगेन ड्यूरिंग वेलगस स्ट्रेस कैन इम्प्रूव द असेसमेंट ऑफ इट्स इंटीग्रिटी, ये देख रहे हो वेलगस स्ट्रेस बाहर की तरफ को, ठीक है, पेशेंट सीधा लेटा, हमने प्रोब को इस जगह रखना है, ठीक है, पेशेंट को 20 से जो है ना 30 डिग्री बाहर की तरफ को रोटेट करवा लिया, मीडियल साइड ये है, मीडियल साइड पे यहाँ पे प्रोब रखा,
ठीक है, फिर हम लोगों को मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और पैसेंसिलेनस जो कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो हमने विजुलाइज कर लिया प्रोब को लॉन्गिट्यूडिनली रख के, ठीक है, इस जगह पे। क्लियर हो गया, ये मीडियल साइड का हो गया। चेक द सॉफ्ट टिश्यूज इमीडिएटली सुपरफिशियल टू द बेस ऑफ द मीडियल मेनिस्कस, और वो मीडियल साइड पे मीडियल मेनिस्कस है उसको भी चेक करना है। ये देख लो दोनों अप्रोच, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, डायनामिक इमेजिंग मूव करना है, लेकिन आपका देख रहे हो लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है मीडियल साइड। क्लियर, पिक्चर्स अभी आप देख लो, ना देखो आपको कंफ्यूजन होगी। अच्छा, और मीडियल साइड पे क्या है, फॉलो द प्रोफाइल ऑफ द मीडियल कोलैटरल लिगामेंट डिस्टली एंड देन रोटेट द ट्रांसड्यूसर फॉरवर्ड टू इमेज टेंडन ऑफ द पैसेंसिलेनस। वही मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और पैसेंसिलेनस जो कि किसका, तीन कौन कौन से उसके टेंडन्स थे, सार्टोरियस, क्रिसिलियस एंड सेमी टेंडन्स इन द लॉन्ग एक्सिस। ये दो चीजें इजी है ना मीडियल अप्रोच, तो मैं इसलिए कह रही हूँ इंटीरियर थोड़ी सी मुश्किल थी, बड़ी है और पोस्टीरियर होगी। दोनों साइड्स में तो हमें इतने ज्यादा है ही नहीं चीजें, कोलैटरल लिगामेंट है, मेनिस्कस है मीडियल या लेटरल उस साइड का, और इस मीडियल साइड की इंपॉर्टेंस ये है कि उसके अंदर हमें पैसेंसिलेनस का वो नजर आता है, और पैसेंसिलेनस क्या था, तीन टेंडन यूनाइट होके मीडियल साइड पे अटैच हो रहा था, और वो कौन से तीन थे, सार्टोरियस, क्रेसिलस एंड सेमी टेंडन। दीज टेंडन्स आर क्लोजली अपोज्ड एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड एट द लेवल ऑफ द इंसर्शन ऑन द टिबिया। अच्छा, खत्म भी हो गई मीडियल, मुश्किल थी, कुछ भी नहीं थी, बस पोजीशनिंग देख ली आपने पेशेंट की कि पोजीशन कैसे करनी है, पेशेंट पोजीशन करने के बाद ट्रांसड्यूसर किस जगह रखना है, और उसके बाद दो चीजें मीडियल साइड पे हैं, दो नहीं सॉरी तीन, एक मेनिस्कस, एक लेटरल सॉरी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट और पैसेंसिलेनस। पैसेंसिलेनस क्या था, तीन जो टेंडन्स है उनको, उनका क्या कहते हैं इंसर्शन है, वो मीडियल साइड पे। बस इसको देखने के लिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल व्यू ही रखेंगे, और थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे ए और बी मैंने पोजीशन दिखाई है, ठीक है, तो हमारा मीडियल अप्रोच हो गया। इसी तरह लेटरल साइड पे चले जाओ, लेटरल साइड पे हमारे पास एक, हमारे पास जो इम्पोर्टेंट बैंड है ना, इलियो टिबियल बैंड, दैट इज लोकेटेड ऑन द लेटरल नी, ठीक है। फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द लेटरल नी रोटेट द पेशेंट्स लेग इंटरनली, वो एक्सटर्नली थी ये इंटरनली, 30 डिग्री हम इसको इंटरनली रोटेट करके थोड़ी सी फ्लेक्शन करवाएंगे अंदर की तरफ को, ठीक है। अब ये बैंड देखना है, चेक द इलियो टिबियल बैंड ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस डाउन टू रीच द गर्डीज ट्यूबरकल। ये हमारे पास ग्रीन कलर का बैंड है, इलियोटिबियल बैंड, जो कि हमें लेटरल साइड पे नजर आएगा, एक बैंड। लेटरल साइड की क्या इंपॉर्टेंस आ गई, एक बैंड देखना वहां पे, बाकी चीजें वही, ठीक है, लेटरल लिगामेंट, लेटरल मेनिस्कस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो देखने वाली उस तरफ पैसेंसिलेनस, इस तरफ इलियोटिबियल बैंड। If doubt exists on whether the probe is correctly orientated, consider the iliotibial band is located between the interior and the middle third of the lateral aspect of the knee, ठीक है, and oriented along the major axis of the thigh. हमने lateral side पे अगर हमें sometimes जो है वो क्या होता है कि नजर नहीं आता ये इलियो बैंड, सॉरी बाकी चीजें हमें कभी लिगामेंट के साथ इसको कंपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, उसको कभी कह रहे होते हैं कि ये lateral collateral ligament है, ठीक है, कभी हम लोग इसको कुछ कह रहे होते हैं, बस हमने इसकी पोजीशन को देखते हुए, बिकॉज इट इज लोकेटेड टू द इंटीरियर एंड मिडिल थर्ड ऑफ द लेटरल एस्पेक्ट, तो उस जगह पे हमारे पास जो है वो इंटीरियरली, थोड़ा सा प्रोब को लेके जाओगे ना तो वो इंटीरियरली लेटरल साइड पे आ रहा होता है, समझ आई इस चीज की, तो हम थोड़ा सा उसकी लोकेशन को प्रोब के साथ प्रोब को मूव करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली लेटरल साइड पर नहीं होगा। जो एग्जैक्टली लेटरल साइड पर दो बोन्स को यूनाइट कर रहा होगा वो तो हो गया लिगामेंट, कोलैटरल लिगामेंट हमें नजर आ गया, लेकिन थोड़ा सा इंटीरियर से ऊपर से नीचे लेटरल की साइड को आ रहा है तो दिस इज इलियोटिबियल बैंड। चेक द सॉफ्ट टिश्यूज, ये तो बाकी चीजें हमने साथ देखनी है, लेटरल मेनिस्कस, और अगर कोई सिस्ट है जो हमने पढ़ी थी, दोनों मेनिस्कल सिस्ट लेटरल या मीडियल अगर सिस्ट है, अगर सस्पेक्टेड है तो उसको फुली फ्लेक्शन में हम लोग उसको पूरा फ्लेक्स करवा लेंगे तो हमारी पूरी जो सिस्ट है वो बाहर की तरफ को आ जाएगी, तो हमें उसको एग्जामिन करना है इजी। बल्जिंग जो सिस्ट होगी और ज्यादा वो बाहर की तरफ को फ्लूइड आ जाएगा तो उसको डिटेक्शन में इजी हो जाएगा, इम्प्रूव कर देगी अगर, ठीक है, दोनों साइड पर, अगर मीडियल साइड पर भी अगर कोई सिस्ट नजर आ रही है सेम लाइक दैट, ठीक है। ये इसका लेटरल अप्रोच आ गया, प्रोब का लॉन्गिट्यूडिनल वे, लेटरल कोलैटरल लिगामेंट मैंने बताया, दूसरी चीज क्या है, नंबर वन इलियोटिबियल बैंड, नंबर टू लेटरल कोलैटरल लिगामेंट, और इससे पहले हमने मेनिस्कल पढ़ लिया, अगर मेनिस्कल सिस्ट है तो
इलियक फ्लेक्स करवा के उसको बाहर की तरफ को प्रोट्रूड करवा लेंगे उसके सिस्ट को, ताकि हम लोग प्रॉपर उसको डिटेक्ट कर सकें। लेटरल लिगामेंट क्या है? एक्सटेंडेड नी, प्लेस द लोअर एज ऑफ द प्रोब ऑन द पेरिनियल हेड एंड द रोटेट इट्स अपर एज इंटीरियरली अंटर। आपने बस लेटरल साइड पे प्रोब रखनी है लॉन्गिट्यूडनली, तो आपको लेटरल कोलैटरल लिगामेंट नजर आते हैं। बस इतना पढ़ के आप लोग मुझे लग रहा है घूम रहा है। फिर उसके बाद चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ना, बस वही याद करो, चार चार चीजें। लेटरल साइड पे ये पेशेंट पोजीशनिंग, ये उसकी प्रोब की क्या कहते हैं प्लेसमेंट। अच्छा, जस्ट डीप टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लेटर कोलैटरल लिगामेंट द पॉपलीटियल टेंडन कैन बी इमेज इन इट्स बोनी ग्रूव। पॉपलीटियल टेंडन जो है वो किस जगह पे नजर आएगा? जो बोनी ग्रूव है लेटर कोलैटरल लिगामेंट, मतलब लेटरल साइड पे जो है देयर इज अ पॉपलीटियल टेंडन जो कि उसके ग्रूव के अंदर, बोनी ग्रूव के अंदर जाके इंसर्ट होता है। बैक से आता है पॉपलीटियल टेंडन और ग्रूव के अंदर नजर आता है। ठीक है, आगे आगे उसका ट्रांसवर्स व्यू। अगर हम लोग इसके अंदर ट्रांसवर्स व्यू करते हैं, मीडियल साइड पे हमने एक ही व्यू रखा है ना उसमें, ठीक है, इधर हमने दो तीन चीजें और नजर आ रही है। वहां पे सिर्फ पेस एंड सिरेनस था इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक तो इलियोर टिबियल बैंड जो कि इंटीरियरली आ रहा है लेटरल साइड पे। नंबर टू हमारे पास आ गया पॉपलीटियल टेंडन जो कि पोस्टीरियरली आके साइड पे, लेटरल साइड पे बोनी ग्रूव के अंदर इंसर्ट है। ठीक है, उसको देखने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, लिगामेंट को भी देखना है और बाकी चीजों को भी, और बैक पे पोस्टीरियरली बाइसेप फेमोरस टेंडन भी आ रहा है वो भी हमें लेटरल साइड पे, तो उसके लिए हमें एक दफा ट्रांसवर्स व्यू भी इसके अंदर रिक्वायर्ड होता है, वो आप करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह प्रॉपर पूरा फुली ट्रांसवर्स भी नहीं है, आपने इसको ऑब्लीगली थोड़ा सा रखा। देन चेक द इफ्यूजन इफ प्रेजेंट लेटरल अप्रोच। अच्छा, खत्म हो गया लेटरल अप्रोच, अब आ गया पोस्टीरियर अप्रोच। पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एक तो मीडियल टेंडन्स का इंसर्शन, द पेशेंट इज आस्क्ड टू प्रोन, बिल्कुल हमने पोस्टीरियर साइड देखनी है, पेशेंट की पोजीशनिंग हो गई, प्रोन उसको लेटा लिया, उल्टा लेटा लिया और उसकी जो नी है जो है ना वो एक्सटेंड करवा ली। ठीक है, अब हमारे पास पोस्टीरियरली क्या स्ट्रक्चर है? स्कैनिंग द पोस्ट्रो मीडियल नी, ट्रांसवर्स प्लेन डेमोन्स्ट्रेट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, sartorius muscle, gracilis tendon, semitendinous tendon that is located behind the semimembranous tendon. और हमारे पास क्या चीजें हैं? पिक्चर छोड़ दो, ठीक है, ये भी छोड़ दो, मुझे लग रहा है आपको ना ज्यादा ही वो हो रहे हैं, आप सिर्फ नेम से याद कर लो। ठीक है, ये चार पांच चीजें हैं पोस्टीरियर साइड पे, सिर्फ आप नेम्स याद कर लो, ये जो लिस्ट है ये, और आपने हर जो प्रोब की पोजीशनिंग और पेशेंट की पोजीशनिंग, ये आज टेबल बनाओ, इससे ज्यादा डिटेल मत पढ़ो। ओके, क्लियर हुआ? मुश्किल हो जानी है आप लोगों के लिए डिटेल थोड़ी सी। ठीक है, वो इंटीरियर अप्रोच थोड़ी सी लंबी थी उसकी वजह से सारे डर गए, लेटरल और मीडियल अप्रोच बड़ी ईजी है। पोस्टीरियर अप्रोच में भी हमारे पास ये लिस्ट है और पेशेंट की पोजीशनिंग कर ली है, हमने प्रॉन लिटा के पेशेंट को एक्सिलरी जो है वो इस तरह रखते हुए ये हमारे पास सारे टेंडन्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, और उन टेंडन्स का इंसर्शन हमें पता है ना मीडियल साइड पे होता है, इनका ही सार्टोरियस, ग्रेसिलस, सेमीटेंडनस, ठीक है, इन सबका जो है वो वहां पे इंसर्शन है वो मीडियल साइड पे होगा, तो हमने पोस्ट्रो मीडियल चेक करना है सारा, पूरा पोस्टीरियर भी नहीं, पूरा पोस्टीरियर को लोकेट विजुअलाइज कर लिया और साथ में मीडियल, क्योंकि इन सारे मसल्स टेंडन की जो कि हमें पोस्टीरियरली पड़े उनकी सारे इंसर्शन जाके मीडियल साइड पे अटैच होते हैं सब। ठीक है, अच्छा, पोस्टीरियर साइड पे अब हमारे पास कुछ वेसल्स नहीं है, उसके लिए हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड करेंगे। मेजर वेसल्स हमारे पास वहां पे आती हैं, एक तो पॉपलीटियल आर्टरी, एक पॉपलीटियल वेन और एक टिबियल नर्व। ठीक है, ये तीन चीजें जो पोस्टीरियर साइड पे, एक तो बाकी सारे टेंडन्स आ गए और एक अगर हमने वेस्कुलर इमेजिंग करनी है, डॉपलर स्कैनिंग करनी है, तो वो फिर हमें पोस्टीरियरली पॉपलीटियल आर्टरी, पॉपलीटियल वेन और टिबियल नर्व की वजह से, ये डीप, इंटरमीडिएट और सुपरफिशियल इस तरह वो ऊपर नीचे पड़ी होती है, तो वो हम जब डॉपलर डालेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा दिस इज वेन, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज नर्व। तो पोस्टीरियर पॉपलीटियल फोसा के अंदर ये चीजें भी हैं।
तो ये उसकी पोजीशनिंग हो गई, थोड़ा सा हमने क्या किया हुआ है पेशेंट को, प्रॉन लिटा के उसकी नी को हम लोगों ने ट्रैक्शन में थोड़ा सा ऊपर की तरफ को उठाया हुआ। पोस्टीरियरली हमारे पास एक क्रूशियट लिगामेंट भी है, वो भी हमें नजर आएगा इसके अंदर, ठीक है, पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट। मुझे लग रहा है तुम लोग तो बेहोश हो गए हो सारे, जिंदा हो? Yes. मुश्किल है? Yes, नहीं है, जब आप टेबल बनाओगे इजी है ये, आप आज ही टेबल बनाओ इसको, और एक टेबल पे बस जिस तरह मैंने बताया ना उसी तरह कॉलम्स लिखना, पेशेंट पोजीशनिंग, फिर उसके बाद सेकंड आपके पास आ गई रो प्लेसमेंट, पहले तो अप्रोचेज आ गई ना, चार अप्रोचेज, फिर उस अप्रोच की पोजीशनिंग, प्रोब प्लेसमेंट, और उसके बाद क्या स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ रहे हैं उसके अंदर, बस ये तीन बना लो। मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं, मुश्किल है नहीं है, ठीक है, आज ही या कल में मुझे ये टेबल नी का बना के जो बता दो, ताकि फिर हम जब अगला दो पढ़ेंगे, आपने नी ग्रैंड असाइनमेंट है 10% की, मुझे असाइनमेंट आपकी अच्छी मिलनी चाहिए, ये ना कहीं से कॉपी पेस्ट मारो, इसको रीड करो पूरे को, और यहाँ से आप लोगों ने एक एक पॉइंट निकाल के अच्छी सी बनाना, कुछ इमेजेस साथ लगाया करो, कुछ जब भी असाइनमेंट दिया करो ना अच्छी सी मुझे बना के दिया करो, जिनके नंबर ज्यादा या कम आते हैं सिर्फ प्रेजेंटेशंस के होते हैं, और जिन्होंने कॉपी पेस्ट मारा होता है वो भी नजर आ रहा होता है, वो तो इवन ये फॉन्ट भी नहीं चेंज करते जहां से कॉपी पेस्ट मारा होता है, पता चल रहा होता है कि इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है कहीं से, कहीं का फॉन्ट और है, कहीं का फॉन्ट और है, किसी का साइज और है, ठीक है, कोई तो नाम भी नहीं लिखते, कुछ तो एक दूसरे से कॉपी कर लेते हैं, वो भी पता चल जाता है, तीन चार असाइनमेंट्स जो है ना वो सेम अगर हमें नजर आ रही होती है, और इतने अकलमंद है समझते हैं टीचर बेवकूफ है। मैंने लास्ट टाइम कुछ असाइनमेंट्स इस तरह बच्चों की क्या नाम है चेक की है, तो मैंने ये कहा था कि अगर सेम असाइनमेंट हो ना तो मैं नंबर जीरो लगाऊंगी, क्योंकि सर डॉक्टर नवीद ने कहा था। अच्छा, बच्चों ने क्या किया कि टीचर तो देखता होता है कि देख लिया असाइनमेंट, ऐसे ही चेक कर ली, इतने सारे बच्चे हैं ये वो, तो बच्चों ने क्या किया, जिस है दोनों के सेम ही एग्जैक्टली दो क्या काफियों के एक जैसे सेम थे, अगर ये लिस्ट किसी ने एंटीरियर अप्रोच पहले लिखी है तो दूसरे वाले ने लेटरल अप्रोच पहले लिख दिए, ठीक है, ताकि टीचर बेवकूफ है वो उसको समझ ना आए कि उसने ऊपर नीचे कर दिया तो आगे सारा कुछ सेम लिख दिया, तो हम पढ़ते होते हैं तो इसलिए इस तरह की बेवकूफियां ना किया करो, फिर नंबर इसी वजह से ऊपर नीचे मैं देती होती हूँ। अच्छी सी असाइनमेंट बनाओ, अपनी अपनी बनाओ सारे आज, ताकि ये सिर्फ बनाने का मुझे तो कोई नहीं है, मैंने क्या असाइनमेंट चेक कर ली बनाई या नंबर दे दिए, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा हेल्पफुल है। तीन तो हम लोगों ने मेन रीजन पढ़ने हैं, उसकी भी इस तरह टेबल बने होगा, फटाफट से इस टेबल को रीड करोगे एग्जाम में भी, प्रैक्टिकल भी और एग्जाम में भी पूरी टेक्निक को याद कर लोगे, क्लियर हुआ? तो इसको आपने आज ही टेबल बना लेना, एक टेबल बना लो, फिर इंशाल्लाह दोनों बाकियों का भी करवा के तो फिर मैं सबमिट करवाऊंगी आपसे, क्या सबमिट करा दूं, क्लियर? कोई क्वेश्चन किसी का तो मुझे बताए। मैम हर अप्रोच का अलहदा अलहदा से टेबल नहीं बना सकते, तीनों का अलहदा बनेगा, आई मीन मैं ये कह रही हूँ नी वाला जो टॉपिक है उसमें इंटीरियर का सेपरेट, पोस्टीरियर अप्रोच का सेपरेट, इस तरह। हाँ ऐसे बना लो जैसे तुम लोगों को इजी लगता है, बनेगा तो यूं ही मतलब कि एक पहले ऊपर हेडिंग बड़ी सी डाल दी इंटीरियर अप्रोच, फिर उसके बाद पोस्टीरियर अप्रोच, उसको अगर साथ अटैच करके बनाना है साथ ही एक टेबल के अंदर कर दो कि एक जब इंटीरियर पूरा खत्म हो गया फिर पोस्टीरियर शुरू हो गया, इस तरह जैसे तुम लोगों को इजी लगता है, ठीक है, अपने आसानी के लिए कि तुम लोगों को याद करना आसान हो, किस तरह तुम लोगों ने अपनी ये तुम लोगों के ऊपर है कि तुम लोगों ने अपने लिए बनाना है, किस तरह तुम लोगों को याद करना आसान होगा, जितनी अच्छी जितनी डिटेल जितनी उसकी होगी प्रेजेंटेशन और इनकी, तो वो बाकी अपने जो है ना लेक्चर साथ में प्रिपेयर्ड भी रखो, मे बी कोई असेसमेंट क्विज वगैरह मैं ले लूँ नेक्स्ट वीक में, मतलब आज सैटरडे है तो नेक्स्ट सैटरडे को इंशाल्लाह फिर कोई एक क्विज रख लेते हैं एमसीक्यूज का ना, एलएमएस के ऊपर कुछ एमसीक्यूज मैं डाल दूंगी, बहुत जल्दी जल्दी से आपने वहीं पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, असाइनमेंट रखो साथ के साथ, ये असाइनमेंट है आपकी, और जो है क्या कहते हैं वो आपकी हो गई क्विज हो गया, तो दो असाइनमेंट्स तो हमने अगले हफ्ते तक असाइनमेंट, लेकिन मैं इकट्ठी लूंगी एंड में जब तीनों हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप बना के रखो तो साथ के साथ, ताकि एंड में फिर आपको मसला ना हो इधर उधर से कॉपी पेस्ट ना मार रहे हो, खास तौर पे बॉयज, ठीक है, गर्ल्स तो अपनी असाइनमेंट शेयर करती हैं, बॉयज बड़ा करती हैं। क्वेश्चन
कोई चीज कुछ ना समझ आई हो, कुछ असेसमेंट के बारे में, किस तरह असेसमेंट का कुछ? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम मेरी लास्ट क्लास की अटेंडेंस मिस हो गई थी, वो काइंडली मार्क कर दीजिए। वो मैं अटेंडेंस कितनी बार सबको बताया, अटेंडेंस की यू टेंशन लेते हो, जो एब्सेंट है वो क्योंकि रिपोर्ट जाती है जूम की। कितनी दफा बताया मैंने आपको कि जूम के ऊपर जो मेरे पास प्रेजेंट शो हो रहे होते हैं वही उसी तरह जिस अभी क्लास हुई है मैंने अटेंडेंस नहीं लगाई है, वो आगे पोर्टल पे जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो आप वो जो एब्सेंट ऊपर फिर हमने वही रिपोर्ट डॉक्टर नवीद को सेंड करनी होती है कि कितने परसेंट पेशेंट आए थे उन्होंने, वो हम फिर अपने से नहीं वो करके देते, जो जूम की वो होती है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते आप कि कितने मिनट के लिए कौन सा बच्चा प्रेजेंट था पूरी क्लास में, वो मिनट्स भी शो हो रहे होते हैं जूम के ऊपर ना। तो वो अब अटेंडेंस की ना टेंशन लिया कि वैसे ही सिग्नल प्रॉब्लम्स मैंने बताया, तो अटेंडेंस की असेसमेंट भी नहीं है। ठीक है, बस ये आप लोग काफी चीजें नहीं समझ आती है वो बस डिस्कस करने के लिए जरूर अटेंड किया करो क्लासेस, ये ना हो कि सारी एब्सेंट होना शुरू हो जाओ, तो अटेंडेंस की टेंशन ना लो, जो एब्सेंट है वो तो एब्सेंट है ही। मैम असाइनमेंट कब तक सबमिट करवानी है? असाइनमेंट मैं बता रही हूँ जब तीनों हो जाएंगे रीजन, वो एंड में बिल्कुल जब तीनों एक नहीं है, इसके बाद हम इंशाल्लाह अगला जो है वो दूसरा रीजन स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने एक लेक्चर रखा हुआ है बोनी फ्रैक्चर, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया ना बोनी फ्रैक्चर के बारे में, वो छोटा सा लेक्चर है, वो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कर लें। और साथ में LMS के ऊपर ना वो 15 मिनट का वो लेक्चर होगा, तो और फिर LMS के ऊपर मैं टाइम डाल दूंगी, तो LMS के ऊपर जो है ना 20-25 MCQs होंगे, वो जल्दी जल्दी से वहाँ पे वो कर लेंगे। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट शुरू करेंगे अपना रीजन शोल्डर या रिस्ट का, तो उसके भी इसी तरह पहले एनाटमी होगी, देन उसकी उस रीजन की पैथोलॉजीज होंगी, देन उसकी टेक्निक होगी, तो वो भी तो शोल्डर और नी थोड़ा सा मुश्किल है उसका, मुश्किल भी नहीं है बस ये कि चीजें हैं थोड़ी सी ज्यादा, बड़ा ज्वाइंट है दोनों, तो उसके वजह से। एक्सक्यूज मी मैम, मैम एक दफा बता दे टेबल कैसे बनाना है, आपने कैसे बताया? मैंने चार दफा बेटा बताया, और अब जो है ना रिकॉर्डिंग सुन लेना। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो है वो अभी जो आएगी ना लेक्चर की, तुम लोगों को तो इजी है, तुम लोग तो बाद ना भी सुनो, बाद में रिकॉर्डिंग में सारा कुछ सुन लिया करो। ठीक है, तो मैंने अभी भी बताया किस तरह आपने टेबल बनाना है, उस तरह आप टेबल बना लो, और लेकिन जिसको जिस तरह इजी लग रहा है, जिस तरह और अच्छे से बना सकता है वो उस तरह और अच्छे से बना ले। ठीक है, लेक्चर को पढ़ते रहे, हम पूरे टेबल को एक ही पूरे लेक्चर को टेबल में किस तरह बना सकते हैं, किस तरह कॉलम्स बनाए। ठीक है, वो आप अपने उस पर देख लो कि किसी अलग बनानी है अप्रोचेस को एक के साथ ही बनानी है, जैसे आपको इजी लगता है वो बना लो। ठीक है मैम, पेज पर बनाना जरूरी है या हम वर्ड पर बना लें? वर्ड पे बनाना है, पेज पे कोई ना बनाए, मतलब अब जो मैं बता रही हूँ साथ में आपने अच्छी सी बनानी है प्रेजेंटेशन, साथ डायग्राम्स लगाओ लगानी है, और एक अच्छी असाइनमेंट बनाना, कोई कॉपी पेस्ट नहीं मारना। मैम क्विज में कितने लेक्चर्स होंगे? क्विज में कितने हुए हैं, मैंने साथ हुए हैं, मतलब जो छठा वाला था वो तो एक ही लेक्चर था, दो में डिवाइड हुआ था, तो मेरा ख्याल है नी होगा, और दो जो शुरू दो ही नहीं जो दो लेक्चर थे वो एक ही लेक्चर था, जो वो भी बड़ा वाला था, मतलब जो अब तक नहीं है, और उसके जो स्टार्टिंग में हमने बेसिक अल्ट्रासाउंड पढ़ा था वो होगा बस, जो नहीं है, और जो पहला लेक्चर जो दो में डिवाइड किया था लंबा सा लेक्चर था बेसिक अल्ट्रासाउंड वाला। ठीक है, नी पूरा, और MCQs ही होंगे क्विज ना, तो जो है ना उस लिहाज से तैयारी कर लेना। और कुछ ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।